कंकड़ा में 55 करोड़ रुपए की लागत से बना फ्लाईओवर बनते ही दरकने लगा है। ग्रामीणों के आरोपों को सही माने तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से बनने के कुछ दिन के भीतर ही ब्रिज कई जगहों से दरकने लगा और जगह जगह दरारें आ गई हैं। इतना ही नहीं, ब्रिज कई जगह से धंसने भी लगा है और जिसकी वजह से रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हालांकि प्रशासन ने ब्रिज पर आवागमन बंद कर दिया है, लेकिन खस्ता हाल ब्रिज के लिए जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर सब मौन साधे हुए हैं। बनाया गया है उसमें वो धंसने लग गया है, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया है, वो धंसने लग गया है। ये इस बात का परिचायक है कि वो गुणवत्ता उसकी कितनी रही है, किस प्रकार से उसका काम किया गया है। यदि कंपेयर करें हम लोग बहुत दूर तक यदि जाए तो आज ब्रिटिश काल में जो काम हुए थे, जो ब्रिज बने थे, वो आज तक चल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता आज तक स्थापित है, लोग उसमें आवाजाही कर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। तो ब्रिज का हिस्सा धंसने की वजह से फ्लाईओवर पर आपको बता दें आवाजाही बंद कर दी गई है। 55 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अकलतरा से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। सरकारी खजाने की बंदर बांट लगा दी गई है। 55 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर ब्रिज बना था जो अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने इस फ्लाईओवर से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो फ्लाईओवर निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। 55 करोड़ की लागत से इस ब्रिज का निर्माण हुआ था। श्वालेंद्र जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। श्वालेंद्र, 55 करोड़ रुपए तो पानी में बह गए, सरकारी खजाने की किस तरह से बंदर बांट लगाई गई है, वो अकल तरह में ये फ्लाईओवर ब्रिज तस्वीरों से अपनी बदहाली बयां कर रहा है। जी देखिए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है, ये भ्रष्टाचार के जो पोल खोल रहे हैं ये उनके द्वारा नवनिर्मित जो ब्रिज बनाया गया है, ब्रिज ही उनके द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की योग्यताओं पर सवाल उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है, इससे इससे पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से कहा जाए तो रोष उत्पन्न है, रोष व्याप्त है कि इनकी जमीन भी ले ली गई है और इनके द्वारा इस तरह से घटिया निर्माण कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि जो जिस प्रकार से इनका काम है किया गया है, जो चौक बनाए गए हैं, सड़कों पर निर्माण कार्य किए गए हैं, ये भी बिना किसी योजना के और बिना किसी विचार के बना दिया गया है, जिससे हादसों में भी काफी इजाफा देखने को मिला था इस क्षेत्र में। जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है, जब निर्माण कार्य चल रहा था तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया? देखिए, ये तो ब्रिज ही स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रकार से बंदरबाट किया गया है और अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच में जो साठगांठ है कि जो हम कहानियां सुनते हैं या फिर मनगढ़ंत जो बातें बोली जाती हैं, वो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमें मूर्त रूप में होता हुआ नजर आया है। और जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करने पर वो लगातार अपने ये करेंगे, कार्यवाही करेंगे करके आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। और लगातार इस पे ब्रिज पर अभी मतलब एक हफ्ते से हम जाकर लगातार देख रहे हैं, डेली इसमें इजाफा हो रहा है और ये जो खाली पहले दरारें थी अब वो गड्ढे में तब्दील। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ मंजू सिंह कांग्रेस नेता फोन लाइन पर मौजूद है। मंजू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार मंजू सिंह जी, जिस तरह से ये जो अकलतरा में 55 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है, भ्रष्टाचार हम जमकर देख रहे हैं कि निर्माण कार्य होने के बाद ही वो धंसने लगा, आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया, प्रतिक्रिया चाहूंगी सर आपकी। 2002 में 2008 में और 2015 में ये कम्प्लीट हुआ, 2 साल में इसको बनना चाहिए था लेकिन 7 साल में ये बना। इसका जो बजट था उस समय 8 करोड़ का बजट था और ये बजट लगातार बढ़ते हुए समय जिस प्रकार से बढ़ता चला गया और उसके बाद फिर ये जैसा आप अभी बता रहे हैं कि ये बजट 4 गुना बढ़ गया। कुल मिला के उसके बाद भी जो ओवर ब्रिज बना है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय। जब मैं उस समय जिला अध्यक्ष थी
तो मैंने इसका विरोध भी किया था, राजेश पूरा सीजन का उद्घाटन किया था, और जब उद्घाटन किया था उसी समय मैंने विरोध किया था कि गुणवत्ताहीन बना है, उसी समय से बना था, उसी समय से वो गिरना शुरू हो गया था। मैंने विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये सालों साल चलेगा, आप लोगों को इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मंजू सिंह जी, अब तो देखिए कि ये कुछ ही दिनों में ही ये दरकने लगा, गिरने लगा, आवागमन बंद हो गया, क्योंकि उस वक्त आप लोग जिम्मेदार विपक्ष में थे, कि अब आप लोग सरकार में है, तो क्या इस पूरे भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी, क्या जाँच होगी? बिल्कुल, इसकी जाँच होनी चाहिए, पर इसकी जाँच के लिए हमारे मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री है, उनको हमने जानकारी भी दी है, उनको लिखित में सब चीज बताया भी है कि ये इस तरीके से भ्रष्टाचार का भेद चढ़ रहा है ये और भी, और पूरे नगर के साथ में इतना बड़ा नाइंसाफी किया गया था कि संतरा नगर के हृदय स्थल में इसको पहले बनाया गया, यहाँ का पूरा जो आवागमन है वो बाधित हुआ, यहाँ के जो व्यापार है वो समाप्त हो गए, जो पूरे व्यापारी है जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए, छोटे छोटे जो बड़े बड़े हैं वो तो दूसरी दूसरी जगह पे चल रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे व्यापार समाप्त हो गए हैं, भूख मरने की स्थिति में लोग आ गए हैं, तो ये तो पूरे अकलतरा नगर के लोगों के साथ में बहुत अन्याय हुआ है। आज भी जो यहाँ ट्रकें चलती है वर्धा पावर प्लांट के पास में कहा से, वहाँ से जो ट्रकें चलती है इतनी धड़ल्ले चल रही है गाड़ियाँ, और अब तो मंजू जी क्योंकि अब आप लोगों की सरकार है, तो अब तक तो मुझे लगता है जांच भी शुरू हो जानी चाहिए थी, क्या किस तरह की कार्रवाई आप लोग दोषियों पर करेंगे? अभी हमने जानकारी दी है क्योंकि इसके लिए रेलवे बोर्ड जो केंद्र सरकार से संबंधित है वो भी जिम्मेदार है, जो बीच का एरिया है जहाँ से रेल लाइन निकलती है वहाँ पर पानी निकासी का कोई भी साधन नहीं है, इसके कारण वहाँ पर अगर भूत निर्माण करा भी दिया जाता है तो वो लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है तो जिसके लिए रेलवे जिम्मेदार है वो उसकी व्यवस्था नहीं करा पा रही, तो जो पानी नहीं निकलेगा तो फिर गड्ढा होगा, और फिर गड्ढा होगा तो फिर उसकी व्यवस्था नहीं होगी, तो फुल फिर से रिपेयर करवाने का कोई मतलब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये सब जानकारियाँ हमने मंत्री जी को दी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो संज्ञान में लेके इसके कार्रवाई भी करेंगे और जाँच भी होगी। बहुत शुक्रिया मंजू सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैम देखिए, जिस प्रकार से ये नेशनल हाईवे 49 निर्मित किया गया है, ये गुणवत्ताहीन जो है और इसकी हालत जो है इसको देखते हुए मैडम केंद्रीय मंत्री से भी और जितने भी कर्मचारी सॉरी अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं और ठेकेदारों से भी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द। ठीक है, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो वही रायसेन जिले